मैरिड हो, ऑब्वियसली आपकी भी फिजिकल नीड्स है, आपके पार्टनर की भी फिजिकल नीड्स है. बिल्कुल. इमेजिन इफ यू कांट फुलफिल दोस फिजिकल नीड्स, आप किस सिचुएशन में आ जाएगा, बोलोगे यार मैंने क्या पंगा ले लिया बॉडी बिल्डिंग का है? और ये उल्टी सीधी मूवमेंट आपको सोशल मीडिया पे बहुत करते मिलेंगे, कई यूट्यूबर्स भी हैं, कई हमारे एथलीट भी हैं. उस शो के बारे में या उसके जजिंग के बारे में या ऑर्गेनाइजर के बारे में अगर आप कुछ बोलते हो ना, थू है आपके ऊपर. क्या है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल. दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए तीन अपडेट लेके आया हूं. पहली जो अपडेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी तरुण गिल की तरफ से, दूसरी जो अपडेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी गुरुजी मुकेश गहलोत सर की तरफ से, तीसरी जो अपडेट रहेगी दोस्तों वो रहेगी सिद्धांत जायसवाल सर की तरफ से. तो दोस्तों हम वीडियो में अपडेट दिखाएंगे आपको पहले, फिर अपना पॉइंट ऑफ रखेंगे उस अपडेट के बाद. तो फटाफट वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं. पहली अपडेट आपको दिखा देता हूं जो तरुण गिल की तरफ से है. उससे पहले अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ये लाल कलर का बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना. देखते हैं पहली अपडेट. कोई ऐसा एनाबॉलिक नहीं होगा जो मैंने ना लिया हो, कोई ऐसा पेप्टाइड नहीं होगा जो मैंने ना लिया हो. और आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, कि मैं ये नहीं कह रहा कि अरे मैंने तो सब कुछ लिया हुआ है, लेकिन उसका पता है क्यों? सिर्फ एक ही, उस पर यार बॉडी बन जाए, चेस्ट फैट खत्म हो जाए, एब्स आ जाए, जो हर लड़के का पैशन होता है. हर लड़के को ऑब्सेशन है ना सिक्स पैक एब्स. लेकिन जैसे आपने कहा, उस सिक्स पैक एब्स का मैं क्या करूँगा जब मेरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन. मेरे साथ हुआ है डॉक्टर साहब, आई हैव फेस्ड दिस, माई वाइफ इज बिहाइंड द कैमरा, शी विल वाउच फॉर इट. कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ गई थी, जब आप मैरिड हो ऑब्वियसली आपकी भी फिजिकल नीड्स है, आपके पार्टनर की भी फिजिकल नीड्स है. बिल्कुल. इमेजिन इफ यू कांट फुलफिल दोस फिजिकल नीड्स, आप किस सिचुएशन में आ जाएगा, बोलोगे यार मैंने क्या पंगा ले लिया बॉडी बिल्डिंग का है? और मेल्स के साथ तो और ज्यादा है, इतना आप साइकोलॉजिकली ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा. मतलब लोग एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे वो वर्ड भी नहीं यूज करना सही लगा, नामर्दी. आप सोचो, मतलब उसको ये लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ. वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रहा है अपने दिमाग में, वो गुस्सा होता जा रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं गुस्सा होता जा रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूँ, मैं एग्रेसिव होता जा रहा हूँ. I've become a different person. आप गिनी पिग्स बने हुए हो यार. आप समझो वो जो चूहे होते हैं ना लेबोरेटरी में, जिसको जाके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, देखते क्या होता है. हाँ, देखते क्या होता है. वो तुम पे ही होता है टेस्ट, याद रखना. मेरे पे हुआ है. वो किसी और पे नहीं होता, वो तुम्हारे साथ ही हो रहा है आज. तो दोस्तों पहली अपडेट में आपने तरुण गिल का स्पेशल इंटरव्यू देखा. तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है और मैं बोलता भी रहता हूं कि तरुण गिल बहुत स्मार्ट आदमी है. दोस्तों स्टार्टिंग में वो क्या करता था, वो जो है एथलीट्स के इंटरव्यू करता था बहुत स्टार्टिंग में, उसकी पुरानी वीडियोस देखना आप. उसके बाद उसने दोस्तों अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया नूर भाई के साथ. वो कंटेंट्स को चेंज करता रहता है, उसको पता होता है कि इस कंटेंट में अब व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस कंटेंट से अब पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना कंटेंट चेंज कर देता है. ऐसा ही वो करता आ रहा है. पीछे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया नूर भाई के साथ, फिर उसने देखा कि स्टेज पे वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोई खास प्यार नहीं जीत पाया लोगों का. फिर दोस्तों उसने पकड़ा यश ठाकुर को, यश के साथ दोस्तों उसने उल्टी पुल्टी वीडियो बनानी स्टार्ट की और चीनी से लेके चम्मच तक, मतलब जो भी प्रोडक्ट मिला भाई, रसोई का, इसका, उसका, सेक्स का, कोंडम, वायग्रा, जो उसे फंसा, हर वो प्रोडक्ट जिससे उसे पैसे मिल रहे थे उसने सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दिया. उसको पता था भाई कि जो सब लोग हैं यूट्यूब पे वो बात कर रहे हैं फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, बट कुछ ऐसा चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा अलग हो. लोग उसको ट्रोल करें, लोग उसको रोस्ट करें, लोग उसको ज्यादा सर्च करें, जितने ज्यादा सर्च, जितने ज्यादा व्यूज, उतने ज्यादा पैसे. उसको सब पता है कि पैसे कहां से कमाने, व्यूज कहां से उठाने, तो वो टॉपिक ही घुमा के ले आया. और मतलब अभी इस इंटरव्यू आपने देखा कि भाई बोल रहा है कि उसको इरेक्टाइल फंक्शन हो गया था, उसको उसकी वाइफ ने उसने फेस किया, उसको मतलब वो सेक्सुअल इश्यूज हो गए थे, पता नहीं क्या क्या. पर जब यश ठाकुर के साथ ये रोज आपको ज्ञान फैल रहा था कि वर्कआउट में सुबह वायग्रा लो, शाम को वायग्रा लो, कोंडम, और पता नहीं मतलब सारे जितने भी जो एसेट्स थे वो सेक्सुअल थिंग्स से रिलेटेड ये प्रमोट करता जा रहा था, क्योंकि पब्लिक के लिए ये चीजें सोशल मीडिया पे डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग के साथ लिंक करना नई थी. तो भाई ने इनको लिंक किया, व्यूज पाए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए. अब भाई क्या कर रहा है कि दोबारा से इन चीजों का उल्टा आ गया है. वहां से क्या किया, पब्लिक ने इसको डिफेम पर करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक ने इसको हेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप मतलब बकचोदी कर रहे हो यूट्यूब पे, फालतू की उल्टी पुल्टी चीजें कर रहे हो. तो भाई ने क्या किया, भाई हाँ
मुझसे गलती होगी, मैंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में ऐसा बोला, ऐसे ऐसे मैगी कोंडम वायग्रा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोली, तो भाई ने आके गलती भी मानी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसने फिर से जो छोटे कॉम्पिटिशन थे, लोकल एथलीट्स थे, फिर से कुछ अलग कंटेंट चेंज करने की कोशिश की और फिर से जो है वो व्यूज़ पाने की कोशिश की, वहाँ भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब भाई ने एक नया धंधा, नया कंटेंट चेंज किया है, अभी इसकी कई अपडेट देखना। अभी ये फिर से स्टार्ट हो गया है मास्टरब्यूशन, सेक्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बॉडी बना के क्या करोगे, तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा था, ये स्टीरॉइड लिया मैंने, वो लिया, तब तो इसने कुछ नहीं बोला, तब तो ये बोला मैं तो बहुत तगड़ा चल रहा हूं। जब ये यश के साथ था तो इसने कुछ भी अगर ऐसा बोला हो कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, तब तो ये सब कुछ ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, डेली आपको वायग्रा भी दे रहा था, तब इसने कुछ नहीं बोला कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है। बट अब इसे पता है कि अब इसे व्यूज चाहिए, कंटेंट चाहिए, इसे लोगों के सामने सच्चा बन के दिखाना है, अच्छा बन के दिखाना है, तो अब ये चूतियापा फिर से फैला रहा है कि भाई मेरे को मेरे दिक्कत हो गई थी, आप ये चीज़ें यूज मत करो। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को तो तरुण गिल का पता है, बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो भी मेरे भाई हैं जो तरुण गिल को फॉलो करते हैं, जिन्होंने नई नई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है या वो थोड़ा बहुत स्टीरॉइड का डोज लिया भी है, सेक्सुअल थिंग्स का और स्टीरॉइड्स का बहुत बड़ी अलग साइंस है, बहुत बड़ा अलग लिंक है बॉडी बिल्डिंग का, कि भाई उससे क्या इफेक्ट किस चीज़ पे पड़ेंगे उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तरुण गिल की बात कर रहे हैं कि इसको क्या करना है, इसको नेगेटिविटी से व्यूज चाहिए, कि ऐसी चीज़ फैलाए जो लोगों को डराए, लोग इसको सुने और लोग इसको फॉलो करें, लोगों को डराने से ये क्या है व्यूज़ पाता है, इसके जो है फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो ये वही चीज़ फिर से कर रहा है कि लोगों को डरा रहा है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा ये वो फ्यूचर सेक्सुअल लाइफ कर लोगे, थोड़ा सा लोग रहते ही है। तो भाई आप अगर नई नई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की है तो अपने गोल्स को फॉलो करो, अपने ट्रेनर को फॉलो करो, जो वो बोल रहा है वो डाइट, वो जो भी डोज, जो सारी चीज़ें, क्योंकि ऊपर जाना है तो आपको सारी चीज़ें लेनी भी पड़ेंगी, फॉलो भी करना पड़ेगा, तो इसके चक्कर में ना पड़े, मेंटली स्ट्रेस दे देगा आपको फालतू में उल्टी पुल्टी चीज़ें। तो मेरे भाई कमेंट करके आप लोग बताना कि आप मेरे से सहमत हो या तरुण भाई से सहमत हो, ये थोड़े दिन में फिर कंटेंट चेंज करेगा और अभी ये इसी कंटेंट पे बना रहेगा, क्योंकि लोग अभी इस कंटेंट पे इसको सर्च कर रहे हैं, अच्छा समझ रहे, देखो तरुण गिल सच बोल रहा है। तो दोस्तों अगली अपडेट के लिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे, मेरा काम है सिर्फ अपडेट देना, हेट फैलाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अगली अपडेट दोस्तों जो मुकेश गुरु जी की तरफ से है वो आपको दिखा देता हूँ, फिर उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये उल्टी सीधी मूवमेंट आपको सोशल मीडिया पे बहुत करते मिलेंगे, कई यूट्यूबर्स भी हैं, कई हमारे एथलीट भी हैं, देखो बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट एथलीट, मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक से जुड़े रहें, आपको मास बिल्ड करना है या अपने आप को शेप अप करना है, बेसिक एक्सरसाइज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप सीधे सीधे चल के एक रास्ते को कम टाइम में तय कर सकते हैं तो उसी रास्ते को टेढ़ा मेढ़ा चल के ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हो आप, बेसिक एक्सरसाइज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अपना डंबल और बारबेल से बढ़ के कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ मशीनें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अलग करने के चक्कर में ऐसे मूवमेंट दिखाए जिनका कोई प्रोडक्टिव इफेक्ट नहीं है। चलो उनके लिए ठीक है, जो बड़े चैंपियंस हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो किसी भी मूवमेंट को करें उनको फील आ जाए, लेकिन आप जो बिगिनर हैं ना और इंटरमीडिएट एथलीट है, आप बिल्कुल बेसिक से जुड़े रहें, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो खास तौर से मेरा मैसेज आज का आपके लिए ये, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि मुकेश गुरु जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि हमारी जो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के कुछ ट्रेनर्स हैं जो क्या करते हैं, उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऐसा एंगल देखेंगे कि मतलब बॉडी ऑटो में परेशान हो रखी है, होल्ड करते हुए बॉडी खुद बैलेंस नहीं बना पा रही है, आप मसल हिट कर रहे हो, उल्टे लेट के आप बाइसेप्स मार रहे हो, बैक मार रहे हो अलग ही तरीके से, तो मतलब बॉडी खुद से बैलेंस नहीं बना पा रही है, आप मसल को तो बाद में क्या हिट करोगे। तो आपको दोस्तों बेसिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी बॉडी पहले बैलेंस बना ले और आप अपना पूरा फोकस, पूरी पावर उस मसल को हिट करने में लगा सको। तो गुरुजी ने ये जो बात बोली है बहुत बढ़िया बोली है, और ये इसलिए ये बात जरूरी है कि कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख के आ जाते हैं इन ट्रेनर्स को, फिर आते ही वो जिम में बेसिक उनको पता नहीं है, एक जो भी उनको दिखेगी क्रॉस ट्रेनर पे भाई साहब लगे पड़े हैं इस एंगल में एक्सरसाइज करने, उनको कुछ पता नहीं है कहां पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं, लटके पड़े हैं, उल्टे लटक के बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक था गुरुजी की तरफ से, तो इस पे ध्यान दो, बेसिक एक्सरसाइज करो मेरे भाई, हर मसल की जो बेसिक एक्सरसाइज होती है ना उसमें सबसे ज्यादा आप वेट भी उठा सकते हो, बैलेंस भी आपकी बॉडी का रहेगा और मास बिल्ड भी आप सबसे ज्यादा कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ से जो सिद्धांत जायसवाल भाई की तरफ से आती है, तो पहले अपडेट दिखा देता हूँ फिर उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो आपके दोस्त यार इनका उनका इसका तो पता नहीं आप किसके साथ लॉयल हो किसके साथ नहीं, बट एटलीस्ट जहाँ से आप कमाते हो, जहाँ से आपका घर चलता है,
जिसकी वजह से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उस शो के बारे में या उसके जजिंग के बारे में या ऑर्गेनाइजर के बारे में अगर आप कुछ बोलते हो ना, थू है आपके ऊपर। क्या है थू? ऐसा दोबारा फिर शो में जाया मत करो, चाहे शेरू क्लासिक हो गया, चाहे एमएचओ ओलंपिया हो गया। अगर इतना आपको गलत लगता है, इतना आपको बुरा लगता है, पूरे साल भर गाली दोगे, फिर बाद में बोलोगे पूरी शेरू सर को, मनीष सर को या सारे लोग को मैसेज करोगे फ्री पासेस मिलेगा क्या, मेरा एथलीट कॉम्पीट कर रहा है। अरे कुछ तो शर्म रखो भी, ऐसा काम मत किया करो, इज्जत करो, क्योंकि उससे आपका घर चल रहा है। ठीक है, अगर इज्जत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बेवकूफ़ी मत करो। कभी मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट गलत लगता है, बुरा लगता है भाई। तो दोस्तों आपने देखा कि सिद्धांत जायसवाल भाई भी थोड़े से गुस्सा लग रहे हैं, पर ये काफी इस टाइप की जो बातें हैं ये काफी कम करते हैं सोशल मीडिया पे कि किसी के बारे में कुछ बोले। पर इन्होंने नाम लेके तो अभी भी नहीं बोला है कि, बट साफ साफ बात यहाँ पे थी कि कोई भी एथलीट या कोच किसी फेडरेशन के बारे में कुछ बोला है तो जो सिद्धांत जायसवाल भाई ने उसके सपोर्ट में बोला है कि भाई जहां से आप खा रहे हो ना, जहां का आप खा रहे हो, जहां से आपको रोटी मिल रही है, उस फेडरेशन के बारे में तो उल्टा पुल्टा मत बोलो, और अगर बोल भी देते हो तो बाद में हाथ जोड़ के वापस मत आओ उसी फेडरेशन में, या उसी सिंपल सी चीज है जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, उनका यही कहना है। तो आप कमेंट करके बताना कि जो सिद्धांत जायसवाल भाई है वो किसके बारे में बात कर रहे थे। मेरा हल्का फुल्का आइडिया है बट मैं नाम यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं लूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, और भी जो इतनी भी अपडेट है बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई सारे आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा। और तरुण गिल के बारे में आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, लव यू।